तिवारी और उनके हस्बैंड अभिनव कोहली का रिश्ता काफी बुरी तरह खत्म हुआ। श्वेता और उनकी बेटी पलक दोनों ने अभिनव पर घरेलू हिंसा के आरोप लगाए थे और उन्हें अपनी जिंदगी का जहरीला इन्फेक्शन बताकर अपनी लाइफ से बाहर कर दिया। लेकिन अब अभिनव कोहली ने एक बार फिर ऐसी हरकत की है जिससे श्वेता के फैंस का गुस्सा भड़का है। जी हाँ, लोग अब इस कदर भड़क गए हैं कि अभिनव पर जमकर लताड़ लगा रहे हैं। दरअसल अभिनव ने अपने इंस्टाग्राम पर श्वेता का एक वीडियो शेयर किया है। वेल, सुनकर हैरानी तो आपको भी हो रही होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। आप खुद सुन लीजिए इस वीडियो को। इस वीडियो में श्वेता और उनके साथ एक्टर फहमान खान नजर आ रहे हैं और दोनों ने अपने मुंह पर मास्क लगा रखा है। लेकिन इनका ये वीडियो अभिनव ने ना सिर्फ अपने इंस्टा पर शेयर किया बल्कि श्वेता को भी टैग कर दिया। अब अभिनव की यही बात फैंस को जरा भी पसंद नहीं आई और लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया। कुछ लोग जहां इसे लाइमलाइट में आने के लिए अभिनव का स्टंट करार दे रहे हैं, तो कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आखिर अभिनव इस वीडियो को पोस्ट करके कहना क्या चाहते हैं। देखिए लोगों ने कैसे कमेंट्स किए हैं। इज इट ओनली गेम, पहचान कौन? तो पहचान लिया भाई, पहचान लिया। प्लीज बी सेफ इफ यू हैव स्टार्ट शूटिंग फॉर MDKD, ऑल द बेस्ट। व्हाट यू वांट टू से? डायरेक्टली बोलो, पोस्ट करने से क्या होगा? प्लीज डोंट डू दिस टाइप थिंग्स, वी हैव सम रिस्पेक्ट फॉर यू। आप वो भी गवा दोगे। समझे नहीं हम? आई डोंट थिंक यू लेफ्ट हर एनी चांस टू कम बैक टू यू नो। यू आर ट्राइंग टू डिफेम हर ऑन सोशल प्लेटफॉर्म। देयर इज नथिंग लेफ्ट इन दिस रिलेशनशिप आई गेस। प्लीज फॉरगेट हर एंड मूव ऑन। वेल, अब अभिनव की इस पोस्ट के क्या मायने हैं ये तो अभिनव ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन अगर बात करें श्वेता तिवारी की, तो अभिनव के साथ ये उनकी दूसरी शादी थी, मगर पिछले साल अगस्त महीने में श्वेता ने अभिनव के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद इस रिश्ते को खत्म कर दिया। श्वेता का आरोप था कि अभिनव ने उनकी बेटी पलक के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल किया है। इस शादी से श्वेता ने काफी उम्मीदें लगाई थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। श्वेता ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि उनका और अभिनव का रिश्ता इस तरह से खत्म हो जाएगा। और अब जिस तरह श्वेता ने अभिनव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, उसे देखकर लगता है कि वो अभिनव को माफ करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अभिनव का पोस्ट अब ये जाहिर कर रहा है कि क्या वो श्वेता के साथ पैचअप करना चाहते हैं। वैसे आपका क्या कहना है इस पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए अपनी राय।